हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर लीगल अपडेट्स। जैसे कि आपको पता है, ये लीगल अपडेट्स की थर्ड वीडियो है फ्रॉम माय साइड एंड हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले वीडियो में मैं आपको 29 and 30 September का बताया, देन अराउंड 1 to 4 October, नाउ इट्स थर्ड वीडियो जिसमें हम 5 से लेके 8 अक्टूबर के पढ़ेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको केस का नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट उसमें क्या हेल्ड हुआ, ठीक है, वो आपको कभी ना कभी काम आएगा, तो वो चीजें भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी। पहले चलते हैं कुछ लीगल अपडेट से कि करंट लॉ मिनिस्टर कौन है हमारे, पता होना चाहिए, अर्जुन राम मेघवाल, राइट। ये जो लीगल अपडेट है रिसेंट नहीं है, मई जून का है, बट सर्टेन थिंग्स जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको इंक्लूड करूंगी ही करूंगी। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉ मिनिस्टर की बात करी जो प्रेजेंट है, तो यहीं पर ही मैं आपको इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि है बीआर अंबेडकर। फुल नेम इज भीमराव रामजी अंबेडकर, हु इज पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट लॉयर, नॉट लॉयर, लॉ मिनिस्टर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद, उससे पहले कोई और थे, राइट। एंड हिज ग्रेटेस्ट एंड एंड्यूरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन फाउंडिंग मॉडर्न इंडिया वॉज हिज रोल एज अ चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन भी थे जिन्होंने हेल्प किया हमारे संविधान को ड्राफ्ट करने का। तो हमारे आज के ये दो लीगल अपडेट्स हो गए। थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड इट इज अ केस, तो इसके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इन रे, रे का मतलब वो होता है जो कि आई थिंक यू नो, मतलब क्या होता, एक चीज होती है सुओ मोटो। मैं बता दू, सुओ मोटो का मतलब ये होता है कि खुद से कॉग्निजेंस लिया गया। सो दिस वॉज वन ऑफ द केस जो खुद से लिया गया है, और इन रे का मतलब ये है कि जहां पे आपकी बेसिकली सेकेंड पार्टी नहीं है। सो इन रे रिमार्क्स बाय द हाई कोर्ट जज ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। सो दिस इज अ 5-judge bench केस, आपको बेंच का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हेड कौन थे यहाँ पे, CJI जस्टिस चंद्रचूड़ जी, ही वॉज हियरिंग अ सुओ मोटो, राइट। तो सुओ मोटो आई टोल्ड यू मैटर relating to the viral clippings of the controversial comments made by Justice V. Shri Chandan of Karnataka High Court during the hearings. क्योंकि आप लोग लॉ बैकग्राउंड के हो, तो जजेस के भी उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं, यू शुड नो। ठीक है, ये चाहे किसी एग्जाम में एज सच ना है, या आ भी सकता है, इफ दिस जज अगर आगे जाके सस्पेंड होते हैं, रिजाइन करते हैं, तो डेफिनेटली आ जाएगा, बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, और हो सकता है ना भी आए, बट यू शुड नो कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक टिप्पणी, एक कमेंट दिया गया है, ऑन द कमेंट विच आर मेड बाय जस्टिस वी श्रीनंदन ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट। अब ये क्या है, देखो 5-judge bench का हियरिंग है, तो दिस केस ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये जस्टिस ने बोला क्या था, अब जब हियरिंग्स चल रही थी कर्नाटका हाईकोर्ट में, दिस जस्टिस कॉशन दैट जजेस जो है, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ कमेंट्स ऐसे करे जो बड़े कैजुअल, मतलब आपके फ्रैटर्निटी, आपकी लीगल फ्रैटर्निटी को सूट नहीं करते। कुछ चीजें होती हैं एज डॉक्टर आप नहीं कर सकते, करते हो तो मतलब छुप के करो, ठीक है, किसी के सामने मत करो। तो एज जज ऑल्सो, एज एडवोकेट ऑल्सो, दे आर सर्टेन डेकरम, तो ऐसे ही उन्होंने कुछ डेकरम तोड़ा। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्वेश्चन किया, दैट जजेस शुड अवॉइड द कैजुअल कमेंट्स, अरे ऐसे कर लेंगे, अरे वैसे कर लेंगे, एग्जाम्पल दे रही हूँ कैजुअल कमेंट्स का, टू एटसेट्रा, इस टाइप से, विच आर मिसोजिनिस्टिक एंड प्रीजुडिशियल टू एनी कम्युनिटी, और किसी समुदाय पर भी एक कैजुअल कमेंट, अरे ये समुदाय तो ऐसा है, ये ऐसा है, वो भी नहीं आप कर सकते। सो दिस वॉज अ थर्ड। अब फोर्थ पे चलते हैं, इसके अगर हम बात करें, ये क्यों, क्योंकि ये सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने एक केस यहां डाला है, फेलिक्स जेराल्ड वर्सेस स्टेट। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये, दैट्स व्हाई। तो हुआ क्या था, जैसे एक बेल का केस था, बेल मिलना था,
तो जज ने यहाँ पर एक कंडीशन रखी बेल देने की. कंडीशन ये रखी, पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द कंडीशन व्हिच वाज इम्पोज्ड बाय द मद्रास हाई कोर्ट. अब हाई कोर्ट ने रखी है कंडीशन, ठीक है. कंडीशन ये भी नहीं है कि मैजिस्ट्रेट या फिर सेशन कोर्ट द्वारा रखी गई है, हाई कोर्ट द्वारा रखी गई है. जहां पे ये बोला गया है, जो एक फेमस यूट्यूबर है आपके फेलिक्स जेरार्ड, वो अगर अपना यूट्यूब चैनल जो इस नाम से है अगर शट कर देते हैं तो हम आपको बेल दे देंगे. क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने इस यूट्यूब चैनल पर कुछ स्कैंडलस, मतलब कि इंसल्टिंग रिमार्क्स दिए थे इन द इंटरव्यू. इंटरव्यू चल रहा था सवाकू शंकर, ठीक है. तो वहां पे उन्होंने कुछ इंसल्टिंग कमेंट्स किए, तो जिसके बाद बोला कि हम आपको बेल दे देंगे बट आप अपना यूट्यूब चैनल शट करो. तो ये चीज को, कंडीशन को हटा दिया गया कि आप पनिशमेंट दो बट आप ये नहीं बोल सकते कि यूट्यूब चैनल को आप बंद कर दीजिए, राइट. सो ये थर्ड था आपका, और थर्ड फोर्थ. अब फिफ्थ की तरफ चलते हैं. दिस इज द फिफ्थ वन. इसका आपको कोई भी केस लॉ लर्न करने की जरूरत नहीं है, मतलब केस नेम. सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट अगर डिले हो रहा है आगे एफआईआर को फॉरवर्ड करने में टू द ज्यूरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट, क्योंकि अब आपको पता है पहले तो जीरो एफआईआर एज प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट नाउ जीरो एफआईआर जो कंसेप्ट है कि अगर ज्यूरिस्डिक्शन का आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो, तो उसको जीरो एफआईआर बोलते हैं. क्योंकि एफआईआर नंबर नहीं दिया जाता इसलिए जीरो एफआईआर. तो उसको जब आगे आप ज्यूरिस्डिक्शन वाले मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करोगे, है ना, अगर उसमें डिले हो रहा है दैट वुड नॉट बी फैटल टू द प्रोसिक्यूशन केस अनलेस इट इज शोन बाय द एक्यूज्ड दैट डिले हैज कॉज्ड प्रेजुडिस टू हिज केस. तो जनरल रूल इज दैट कि अगर डिले हो रहा है जीरो एफआईआर को क्षेत्र में आने में, उनके क्षेत्र में आने में, तो वो कोई भी नेगेटिव नहीं है इसमें. बट अगर प्रोसिक्यूशन ये शो कर देता है कि देखो मेरे केस में इसमें कुछ हानि हुई है, प्रेजुडिस हुआ है, ठीक है, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. तो सिक्स्थ की तरफ चलते हैं. चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर्स वर्सेस मिसेस सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स. अब ये 2 अक्टूबर का है, पहले वाले में ये रह गया था तो इसको मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया है. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, क्योंकि जीएसटी आपका आया था, इंट्रोड्यूस 2017 में हुआ था. तो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन सेज कि टैक्सिंग स्टैट्यूट्स को हम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं, निर्वाचन उनका करते हैं, तो उनका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है उसकी अब प्रिंसिपल्स आए हैं. सिंस टैक्स आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है लॉ में, जुडिशरी में, नेट वगैरह में तो है, ठीक है. सो नेट के लिए भी दिस जजमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, एंड वैसे भी आपसे एमसीक्यू जनों में पूछ सकते हैं क्योंकि गाइडलाइंस है ये. देन एक क्वेश्चन सेवेंथ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 से ही बड़े ही न्यूज में था, ठीक है. तो उसके अब रूल्स आए थे इस ईयर, तो वो रूल्स कब आए हैं, 2024 में आए हैं. अब ये जो रूल्स हैं 2024 के, दिस एनेबल द पर्संस जो एलिजिबल है CAA 2019 में टू अप्लाई फॉर द ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप. दीज रूल्स विल नाउ एनेबल द माइनॉरिटीज persecuted on the religious grounds in the Pakistan, Bangladesh, Afghanistan to acquire the citizens in our nation. क्योंकि CAA 2019 में ऐसा बोला गया था कि इन इन जगहों में जो आपका basically पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान है ना, जो वहां से रह रहे थे, अगर उनको एनेबल करना है तो उसको इंक्लूड किया गया है बेसिकली. इसके बारे में पूरा की पूरा इंटरप्रिटेशन में अलग से वीडियो लाऊंगी CAA का, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एवरीथिंग, राइट. बट आपको ये बताना चाहिए कि CAA कौन से ईयर में आया है, क्योंकि नेट में, यूजीसी नेट में, उत्तराखंड जुडिशरी में बहुत पूछते हैं ये लोग, राइट. तो ये हो गया, एंड रूल्स कब आए हैं, 2024 में. सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है. आई थिंक द लीगल अपडेट्स आर ओवर, यस दीज आर ओवर. थैंक यू सो मच. सो आई होप आपको पसंद आया होगा. आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एवरीवन.